हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज बनाएंगे हम बीन्स की सब्ज़ी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल और साधारण से तरीके से बनाएंगे और खाने में भी स्वादिष्ट होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये बीन्स है जो ले लिया है, इनको हम साइड में से निकाल देते हैं, जो जो कि थोड़ा टाइट सा होता है, ये सब्ज़ी में डालने लायक नहीं होता है, इसको हम अलग निकाल लेते हैं और फिर हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से कट करते हैं। आप इसको चॉप बोर्ड पे भी काट सकते हैं या अपने ऐसे ही सिंपल तरीके से चाकू से लेकर हाथ से काट सकते हैं। जो भी तरीका आपको इजी लगता हो उस तरीके से आप इसको काट सकते हैं फटाफट से, जिस तरीके से मैं काट रही हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छा तरीका या हाथ से ऐसे सिंपल तरीके से काटना ही पसंद है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही काट रही हूँ। ये देखिए, मैंने सभी बीन्स को निकाल लिया है और मैं इसको फटाफट से काट दूँगी। ये देखिए, ये देखिए लगभग सभी बीन्स कट कर तैयार हो गए हैं। देखिए, सभी को हमने काट लिया अच्छे से। ये देखिए, अब आ गई है लहसुन छीलने की बारी। ये देखिए, लहसुन भी हम छील लेंगे, एक एक करके लहसुन को अच्छे से छील कर हम रख लेंगे। देखिए, फटाफट से हमने लहसुन को भी छील दिया है। ये देखिए, छिलने लग रही है। ये देखिए, लहसुन को छील दिया है। अब आ गई है प्याज की बारी। प्याज को भी हम छील लेंगे, छीलने के बाद इसको कट कर लेंगे। लहसुन प्याज दोनों को काट कर जार में डाल दिया। और इधर प्याज के बाद हमने लिया है अदरक का टुकड़ा। अदरक को अच्छे से छील लेंगे, छीलने के बाद इसको भी कट कर लेंगे और अपने मिक्सी जार में इसको डाल देंगे। ये देखिए, अदरक छील लिया। और इधर जो हरी मिर्च है उसको भी हमने ले लिया है, चार हरी मिर्च लिया है और दोनों को हमने धो लिया, धोने के बाद कट कर लिया और इसको जार में डाल देंगे। ये देखिए, सभी को डालकर इनको मिक्स कर देंगे मिक्सी में। मिक्स करने के बाद अब आ गया है आलू का नंबर। आलू को छील लेंगे, चार आलू को हमने लिया है। देखिए, आलू को अच्छे से छील लेंगे। देखिए, देखिए इसी प्रकार से हम सभी आलू को छील लेंगे। देखिए, लगभग सभी आलू छिल गए हैं और हमने आलू को धो भी लिया है। धोने के बाद अब इसको कट कर दें। देखिए, आलू को कट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इसी तरह से हम सभी आलू को कट कर लेंगे। देखिए, आलू को हमने फटाफट से कट कर लिया है। इसी साइज के सभी पीस करेंगे हम आलू के। सभी आलू को इसी तरीके से कट करना है। देखिए, फटाफट से, ये देखिए, ये देखिए, लगभग सभी आलू कट हो चुके हैं हमारे। सभी आलू को हमने काट लिया है। ये देखिए कितना अच्छा कटा है। और इधर ले लिया हमने हरा धनिया पत्ती, इसको भी हम निकाल लेंगे। धनिया की जो पत्ती है उनको निकाल लेंगे अलग से। ये देखिए, इस प्रकार से सभी धनिया पत्ती को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इनको भी हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको भी कट कर लेंगे। ये सभी हरा धनिया पत्ती को हमने निकाल लिया है। अब इसको वॉश करके लाएंगे हम। देखिए, वॉश किया है इनको, अब इनको कट कर देंगे इस तरह से। सभी को हमने बारीक कट कर लिया है।
देखिए इस प्रकार से हरा धनिया पत्ती कट हो चुकी है, और इधर मिक्सी जार में हमने डाल दिया है जो अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च वगैरह सभी को हम पीस लेंगे। ये देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, एक पेस्ट बन चुका है अच्छा सा। ये देखिए अब इधर रख दिया हमने कढ़ाई, कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें डाल दिया है तेल, तेल गर्म होने के बाद जीरा लिया है, जीरा को हाथ में थोड़ा सा मसल कर हमने तेल में डाल दिया है। ये देखिए जब जीरा चटकने लग जाए तो हमने ये जो ये पेस्ट बनाया था उसको हमने डाल दिया है, लहसुन अदरक प्याज वाला जो पेस्ट था वो हमने डाल दिया है। ये देखिए देखिए धीमी सी आंच पर थोड़ा सा इसको चलाते रहेंगे, चलाने के बाद इसमें हमारे जो बेसिक से मसाले होते हैं धनिया हल्दी मिर्च नमक इसे भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद ये देखिए अब डालेंगे मसाला जो कि गर्म मसाला होता है, ये भी हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। देखिए धीमी आंच पर इस मसाले को हम अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कि मसाला अच्छे से पक ना जाए। जितने अच्छे से मसाला पकेगा सब्जी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है, इसलिए मसाले को अच्छे से पकाना चाहिए। मसाला अच्छे से पकने के बाद उसमें डाल दिया है हमने आलू को, आलू को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद यहाँ पे डाल दिया हमने कटे हुए बीन्स को, इन सभी को हम मिक्स कर देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखिए थोड़ा धीमी आंच पर हम इस सब्जी को बनाएंगे। धीमी आंच पर सब्जी बनाने का ये फायदा है कि सब्जी जो है वो स्वादिष्ट बनती है। ये देखिए 10 से 15 मिनट के बीच ये सब्जी बन जाती है, हमने ढककर इसको रख दिया था और सब्जी भी लगभग तैयार हो गई है। और इधर जो हरा धनिया पत्ती है वो हमने इस पर डाल दी है। ये देखिए सब्जी लगभग तैयार है।